तो आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है, गेस करिए इसका नाम। तब तक मैं आपको बताता हूँ इसकी खूबियाँ। यहाँ पे इस गाड़ी में सबसे बड़ा जो फीचर है वो है साइलेंट कैबिन। इसका साइलेंट कैबिन है और काफ़ी कंफर्टेबल राइड है। साथ ही साथ सबसे सेफेस्ट ये एमपीवी है और काफ़ी सेफ़ ये गाड़ी मानी जाती है। और भी काफ़ी सारी खूबी की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसके लुक और डिज़ाइन पे नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में आप देखेंगे काफ़ी शार्प यहाँ पे ग्रिल दे रखा है। महिंद्रा का लोगो बीच में मिल जाता है आपको। और यहाँ पे काफ़ी लंबे चौड़े हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टील रिम्स का भी ऑप्शन है 16 इंच के अगर आप बेस मॉडल लेंगे। इसके बाद डोर हैंडल्स पे आप नज़र डालें तो यहाँ पे बॉडी कलर में और ड्यूल टोन कलर है, वैसे तो सिल्वर कलर का भी यहाँ पे टच आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा दूर से आप देखेंगे इस गाड़ी को, मैं पीछे हट जाता हूँ, तो आप देखेंगे काफ़ी ऊँची ये गाड़ी लगती है एमपीवी में। और ऐसा लगता है कि आगे वाला टायर थोड़ा छोटा होगा, पीछे वाला बड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है, दोनों 17 इंच के ही व्हील हैं। इसका लुक और डिज़ाइन ऐसा है जिसको वजह से ये देखने में ऐसे लगती है। इसके बाद टेल लैम्प्स शार्क से यहाँ पे इंस्पायर्ड टेल लैम्प्स हैं। और इसका नाम अगर अभी तक आपने गेस नहीं किया था तो मैं आपको बता दूँ, महिंद्रा की मैराजो, जिसमें जिसका मतलब ही शार्क होता है। और आप देख रहे हैं टेल लैम्प्स को कनेक्ट करते हुए बीच में क्रोम प्लेट, साथ ही साथ मैराजो की बैचिंग। और यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे वाइपर मिल जाता है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे स्पेयर व्हील नीचे की तरफ दे रखा है। और काफ़ी ऐसे फीचर हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन जैसी बड़ी गाड़ी में भी देखने के लिए नहीं मिलता, वो उस गाड़ी में। जैसे कि आप रियर पार्किंग सेंसर देख रहे हैं जो कि 4 मौजूद है, जो कि इस लेवल की गाड़ियाँ जो हैं कुछ कुछ कंजूसी कर जाती हैं जहाँ पर 2 ही रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं। इंटीरियर आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, और फिर भी ये गाड़ी उतनी सेल नहीं हो पाती इंडियन मार्केट में। इसकी मेन वजह क्या है वो तो हम अभी समझ नहीं पाए। यहाँ पे इको मोड के लिए ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। साथ ही साथ आप स्टीयरिंग पे नज़र डालें तो यहाँ पे 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जा रहा है विद ग्लॉसी टच, और काफ़ी सारे यहाँ पर कंट्रोल्स उस पर दे रखे हैं। इसके बाद हम अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी जगह, काफ़ी स्पेस देखने के लिए मिल जाती है। और आगे का ये आप ओपन करें तो यहाँ पे कप होल्डर के लिए जगह दे रखी है, और कप होल्डर पॉकेट दे रखा है जिससे अंदर जो है ज़्यादा गंदगी जो है ना फैले और आप इजीली से साफ़ कर पाएँ। और एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड यहाँ पे हैंड ब्रेक दे रखा है जो कि काफ़ी शानदार लगता है देखने में। इसके बाद आगे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर जगह दे रखी है काफ़ी सारी, और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और 12V का आपको यहाँ पर सीक्रेट चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बीच में ऑक्स के लिए ऑप्शन मिल जा रहा है आपको। साथ ही साथ गियर बॉक्स आप देखें तो कुछ इस तरह से दे रखा है। और गाड़ी को पहले हम ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, और रियर का ऑप्शन कुछ इस तरह से आगे की तरफ दे रखा है, और कुछ गियर का जो पोजिशन है कुछ इस तरह से दे रखी है, डैशबोर्ड से अटैच ये देखने में आपको लगेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एयर बैग के ऑप्शन देखने के लिए मिल जा रहा है, स्विचेस देखने के लिए मिल जा रहा है, हज़ार्ड लाइट का स्विच देखने के लिए मिल जा रहा है। ऊपर की तरफ आप नज़र डालें तो यहाँ पे AC कंट्रोल्स के लिए ऑप्शन मिल जा रहा है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको इसमें, जिसमें काफ़ी सारे फ़ीचर के साथ ये लेस है। आप काफ़ी सारे ऑप्शन जो है इस स्क्रीन में देख सकते हैं। साथ ही में डैशबोर्ड पे आपको पियानो फिनिश देखने के लिए मिल जा रहे हैं विद स्टार डिज़ाइन, और आप डैशबोर्ड को नज़र डाल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है। आगे की तरफ इस तरह से स्पेस देखने के लिए मिल जाती है जहाँ पर आप मोबाइल रखेंगे तो वो हिलेगा नहीं। कूल ग्लव बॉक्स मिल जा रहा है इस गाड़ी में आपको देखने में, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ नज़र डालें तो वैनिटी मिरर आपको विद लाइट ऑप्शन मिल जा रहा है। साथ ही में आपको इसको एक्सटेंड करने के लिए भी आपको यहाँ पे फीचर मौजूद है, आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। और
इसके बाद आपको यहाँ पे आईआरवीएम और ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जा रहा है, और यहाँ कन्वर्सेशन ग्लासेस देखने के लिए मिल जा रहे हैं, जो पीछे की तरफ आप पैसेंजर बैठा हो उससे इस ग्लास में देखकर बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कूल फीचर जो है इस गाड़ी में मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। तो आप कितना सहमत हैं कि इस गाड़ी में काफ़ी ऐसे फ़ीचर हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन में भी देखने के लिए नहीं मिलते, जबकि ये काफ़ी समय पहले जो है मार्केट में आ चुकी है गाड़ी, और इसका काफ़ी लंबे समय से अभी कोई फेसलिफ्ट भी नहीं आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको राइट साइड में देखने के लिए मिल रहा है, और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद आप अगर नज़र डालें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट पैनल पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और कुछ जो इसका डिज़ाइन है, लुक है, कुछ इस तरह से एनालॉग मीटर दोनों तरफ दे रखा है, बीच में एक ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। तो लेदरेट अपॉल्स्ट्री आपको टॉप मॉडल में देखने के लिए मिल जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे ये कैप्टन सीट है। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे आपको सेंटर में सीट मिल जाती है, पर जो टॉप मॉडल है उसमें इस तरह के सिटिंग पोजीशन आती हैं जिसमें आप इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पीछे की सीट को आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दो हेडरेस्ट के साथ आपको सीट मिलती है, और जगह जो है वो काफ़ी है, स्कॉर्पियो एन की तरह नहीं है कि आप पीछे जा ही नहीं सकते, और काफ़ी ज़्यादा जगह यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आपको लैंप्स मिल रहे हैं, रीडिंग लैंप्स ऊपर की तरफ, और आपको जो एसी है वो मैं आपको बता दूँ कि थर्ड रो के लिए भी अवेलेबल है, और स्कॉर्पियो एन में ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि स्कॉर्पियो एन में आप थर्ड रो में बैठ ही नहीं सकते ज़्यादा देर, तो एसी का आप वैसे भी करेंगे क्या। यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, आपको स्पेस जो दिखाई थी, और यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पे फ़ैन कंट्रोल, और यहाँ पे रूफ लैंप, और एसी में आपको सराउंड कूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है बेहतर इफ़ेक्ट के लिए। तो आपने देखा इंटीरियर इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतर है स्कॉर्पियो एन के मुकाबले, भले ही इसका कंपैरिजन करना सही नहीं है क्योंकि ये एक एमपीवी है और वो एक 4x4 के साथ आपको ऑफ रोडिंग कैपेबल व्हीकल मिलता है, और वो एक एसयूवी है, तो यहाँ पे कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको दिखाया कि इंटीरियर में जो यहाँ पे आपको स्पेस और फैसिलिटी मिलती है वो काफ़ी बेहतर है, और साथ ही साथ इसका सीधा कंपैरिजन वैसे अर्टिका के साथ होता है, अर्टिका और XL6 जहाँ पे इस गाड़ी को कोई पूछता नहीं, और यहाँ पे अर्टिका जो है उसकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है। और अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको 13 से 15 लाख के बीच में एक शोरूम प्राइस पे मिल जाती है, और इसमें 6 वेरिएंट आते हैं, और साथ ही साथ फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ डीजल इंजन ही मिलता है 1500 cc का, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो भी मैनुअल के साथ सिर्फ आता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये गाड़ी के बारे में और क्या राय रखते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।